बस भक्ति का दिखावा होने लगा। मैं देख रहा, मैं बोलता हूँ भजन करो, सुमरण करो। कुछ लोग कि नहीं, अगर गंगा जी चले जाएं तो कुछ भार कम हो जाएगा क्या? कुछ लोग आ करके बोलते, कुछ दान पुण्य करवा दो जी, जितना आप चाहते हो जो बोलोगे कर देंगे, ये जो कष्ट चल रहा है इसको दूर कर दीजिए। मैं बोलता हूँ नहीं होगा, क्योंकि ये दान पुण्य का काम ही नहीं है, ये तो बस संसार के लिए है। दान पुण्य तो कर्म तोड़ने के लिए नहीं है। इस कारण से मैं नाम के ऊपर इतना ज़्यादा जोर देता हूँ। जो आप सोचते हो कि सारा सब कुछ एक नाम के लिए ही बोलते हैं, एक नाम का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस नाम की ताकत हमारे संतों ने जानी है, हमारे संत महात्माओं को पता है ये नाम के अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई है, कितना इससे कार्य हो सकता है और कितना इसके अंदर तेज है, और एक नाम को पकड़ करके हम कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं और क्या हमें मिल सकता है। और आप ब्रह्म का रूप हो सकते हो, आत्मा का ज्ञान हो सकता है। और जो ये रहस्य हैं, ये सब के सब आपके सामने खुलने लग जाएंगे। कोई भी रहस्य जिस प्रकार से, आप परिवार को ही लीजिए, परिवार के लोग आपको वही बात बताएंगे जो आपको बताने की आवश्यकता होगी। बच्चे अगर ध्यान लगा के सुनते होंगे तो उनको माता पिता बोलते हैं यहाँ से उठो, अंदर कमरे में जाओ और पढ़ाई करो, इन बातों के अंदर मत घुसो, पढ़ाई पे ध्यान दो। और फिर वो अपनी बात शुरू कर देंगे। तो उसी प्रकार से जितना आप उसके नजदीक जाओगे, पात्र बन जाओगे, योग्य बन जाओगे, उतना ही रहस्य आपके सामने वो खोलने लगेगा, उतने ही रहस्य के पन्ने आपके सामने खुलने लगेंगे। और सब कुछ जितना आवश्यकता होगी उतना आपको महसूस कराने लगेगा, अनुभव कराने लगेगा, आदेश आने लगेंगे, और आपका जो चढ़ाई का रास्ता है वो अपने हाथ में लेता चला जाएगा। और जब उसके हाथ में आपकी डोर आती है तो वो परमात्मा नादान समझ करके, ये जो हमारे कर्म हमें बड़े दिखाई देते हैं ये बहुत छोटे रह जाते हैं। प्रेम मंजिल नहीं है। कुछ लोग समझते हैं हमें प्रेम प्राप्त हो गया तो हमें वो परमात्मा मिल गया। प्रेम रास्ता है, प्रेम पड़ाव है, प्रेम वो अग्नि है, वो ईंधन है जो गाड़ी के अंदर डाल करके और गाड़ी को स्पीड से चलाते हैं, वो ईंधन है प्रेम। लेकिन प्रेम मंजिल नहीं है। ईंधन अलग होता है, गाड़ी अलग होती है और मंजिल अलग होती है। उसी प्रकार से प्रेम अलग है, भक्ति अलग है, परमात्मा अलग है।
लेकिन नादानी के कारण हम इन सब चीजों को एक करके देखते हैं, और एक करके देखने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा होती है और अहंकार की स्थिति पैदा होती है। विचारों के अंदर जो जद्दोजहद होती है, युद्ध होता है बुद्धि के अंदर। जब आप बैठोगे तो विचारों का युद्ध शुरू हो जाएगा। कभी अच्छे विचार बुरे को काटेंगे, कभी बुरे विचार अच्छे को काटेंगे, और ये विचारों को काटते काटते, अपने विचारों से लड़ते लड़ते हम ध्यान को भूल जाते हैं, उस नाम को भूल जाते हैं, और फिर एकदम से ध्यान आता है, अरे मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या करने बैठा था, क्या करने लगा। और नाम से दूरी बन करके फिर बोलते हैं ध्यान नहीं लगता। मैं बोलता हूं ध्यान लगाते नहीं। ध्यान जब आप लगाओगे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ध्यान जब विचारों के अंदर लगा हुआ है। बहुत लोगों के मन के अंदर तरंगे भी उत्पन्न होती हैं, जैसे एकदम काम का वेग आया, बहुत बढ़ गया, बुद्धि को एकदम हरण कर लिया, मन को एकदम दूषित कर दिया, वो एकदम वेग से आया। अगर आप भजन कर रहे हो और स्थिर हो भजन के अंदर, तो ये वेग आएगा चला जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। अगर आप स्थिर नहीं हो भजन के अंदर, ध्यान के अंदर, तो ये वेग मन और विचारों से इंद्रियों में उतर आएगा। इंद्रियों में उतरने के बाद ये कर्म में परिवर्तन हो जाएगा, और कर्म में परिवर्तन हुआ तो कर्म के तो गुण और दोष दोनों होते हैं, फिर नया कर्म जुड़ जाएगा। लेकिन मन के सोचने मात्र से कर्म नहीं बनता, कर्म बनता है करने से।